हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम है खुशबू, ऐसे ही आपका भी कुछ नाम होगा ना। इमेजिन कि आप भीड़ में हो और कोई आपका नाम पुकारे, आप तुरंत मुड़ के देखोगे ना। अब आपने बचपन से लेके जब आप पैदा हुए थे उसके कुछ दिनों बाद ही आपके पेरेंट्स ने, आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको एक नाम दिया, आप उसी नाम के साथ बड़े हुए और आप टिल दी एंड ऑफ योर लाइफ उसी नाम से पुकारे जाओगे, उसी नाम से अपने आप को रिलेट करोगे, उसी नाम से होगी आपकी आइडेंटिटी। नाउ इमेजिन कि आपकी उम्र कुछ 30-35 साल है, यू आर यंग, यू आर यूथफुल, यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू आर सक्सेसफुल, एंड सडनली समबडी कम्स इन योर लाइफ एंड वो आपको आके बोले कि अब तुम्हारा नाम ए नहीं है, तुम्हारा नाम है बी, और वो तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी चीज़ों को अपनी अपना बना ले और तुम्हें कहे कि तुम तो ए नहीं हो, तुम बी हो, अब मैं तुम्हें बी से ही बुलाऊंगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप अपने आप से ही डिसआइडेंटिफाई कर लोगे, आप अपने आप को नहीं पहचानोगे और आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा, राइट? क्योंकि आपको आपका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो और आप एकदम ब्रेन वॉश हो जाओगे। सेम चीज़ हुई हमारे साथ जब भारत में इन्वेडर्स आए और इन्वेडर्स ने हमें लूटा, हमारी चीज़ों को तहस नहस किया, हमारे टेंपल्स को तोड़ा, हमारे मॉन्यूमेंट्स को तोड़ा, हमारी बुक्स को जलाया, लाइब्रेरीज को जलाया, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को ख़त्म किया और हमारा नाम चेंज कर दिया। हम भारत से बन गए इंडिया, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। इंडिया का क्या मीनिंग है? सिर्फ एक रिवर जिसका नाम सिंधु रिवर है वैसे भी, जिसके आसपास हरप्पन सिविलाइजेशन बसा करती थी, मोहनजोदारो था जिसके आसपास, उसको उन्होंने इंदस कहा और इंदस रिवर जो टॉप में है, नॉर्थ में है, वहाँ से लेकर इंडियन ओशन के बीच का जितना एरिया था, जितना लैंड था, उसको उन्होंने नाम दे दिया इंडिया। सो व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन, हमारा एक्चुअल नाम तो भारत था ना, और भारत एक मीनिंगलेस नाम नहीं है। भारत में तीन वर्ड्स हैं, भ, र और त, एंड इट मींस, भ मींस भाव यानी इमोशन, राग मींस सिम्फनी एंड ताल मींस हार्मनी। सी सच अ ब्यूटिफुल नेम एंड इट हैज सच अ ब्यूटिफुल मीनिंग। तो जब कोई, अब हमने G20 में देखा कि G20 का एक लेटर प्रेसिडेंट के ऑफिस का वायरल हुआ था जिसपे इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, और एक जो कॉन्फ्रेंस की वीडियो है उसमें भी जो आपका कंट्री का नेम होता है उसमें इंडिया की जगह भारत था। सो सी दिस इज़ द टाइम 2023 में फाइनली आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इन्वेजन एंड कोलोनियलिज्म वी आर बैक टू आर आइडेंटिटी। अब हम अपने पुराने नाम पर वापस आ रहे हैं, अपनी पुरानी ग्लोरी पर वापस आ रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की रोशनी को हम वापस इस दुनिया में ला रहे हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में योग एक अलग पीक पर चला गया, अलग हाइट पर चला गया है, इस सेंचुरी में अब हम अपने सनातन धर्म के और भी ज्ञान को, और भी रोशनी को, और भी विद्याओं को वापस लेकर आएंगे और दुनिया और समाज के लिए और भी ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा सेवा करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये बहुत छोटा वीडियो था, आई नो, बट आई विल कीप मेकिंग सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।